26 जून को राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है वीडियो के साथ। वो पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी, देश आपसे सच सुनना चाहता है, ऐसा उनका कहना है ट्वीट में। और उनकी एक पूरी वीडियो है 1.5 मिनट के आसपास की, वो भी मैं उसका कुछ हिस्सा सुना दूंगा। और जो एंड में आखिरी के 10 सेकंड में वो सवाल पूछते हैं, उनका जवाब मैं उन्हें देना चाहता हूँ। अब मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री को भी कष्ट क्यों देना इससे छोटे से तुच्छ सवाल के लिए। और ये मेरा रिप्लाई डायरेक्ट राहुल गांधी से होने वाला है। अगर कोई कांग्रेस का मेंबर देख रहा हो, लिटरली मेंबर, क्योंकि वो लोग भी आजकल काम धाम छोड़ के खाली बैठे हैं, क्योंकि अब हारने के बाद लोग घर पे ही बैठे होंगे, कुछ खास तो करने को है नहीं, लूटने को तो मिल नहीं रहा देश, तो खाली लोगों के लिए है स्पेसिफिकली। और राहुल गांधी जी भी इतने खाली हैं कि उलू जुलू सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा सा अगर वो अपनी ही हिस्ट्री में चले जाते, अपनी ही पार्टी की हिस्ट्री में चले जाते, कुछ साल पहले ही चले जाते जिस वक्त ये सब एग्रीमेंट साइन हुए, तो उनको जवाब उसी वक्त मिल जाता। लेकिन क्योंकि वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठाना है, क्योंकि उनको पता है जनता को, जनता के एक सबकॉन्शियस माइंड में मैं एक सवाल छोड़ जाऊंगा और कांग्रेस के जो फॉलोअर्स हैं, जो चमचे हैं, लिटरली चमचे हैं, चमचे क्या करते हैं, चमचों की एक डेफिनेशन होती है कि वो सच क्या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी लाइन से जो आ गया उनको बस जीभ लटका के उसको चाटते रहना है, ठीक, इसलिए वो चमचे। तो राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछा, आप वो प्रश्न सुनिए। हमारे जो वीर शहीद हैं, उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूं डायरेक्टली, और प्लीज पहुंचा देना कोई कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स तक या फिर राहुल गांधी तक। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। आपको जिस आर्टिकल से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जिस न्यूज वेबसाइट से, आपको उसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, उस लिंक में वो आपको जो पैक्ट साइन हुआ, जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उस एग्रीमेंट की कॉपी भी देखने को मिल जाएगी। आप उसके सारे क्लॉजेस, सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं सीक्वेंस में। उसमें से ही जब 1993 को जो पहला बॉर्डर डिस्प्यूट एग्रीमेंट साइन हुआ पीस मेंटेन करने के लिए, तो उस वक्त सरकार किसकी थी? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो कांग्रेस के थे। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का होता है, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, डिसीजन भी उन लोगों ने ही मिलकर लिया होगा, ठीक है। तो पहली बात तो जवाब तो देखा जाता है, यहीं पर रुक जाता है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। और इस आर्टिकल का ये भी कहना है, मेन पॉइंट, कि जो प्रीवियस प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने जो 1988 में चाइना विजिट में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उसको आगे बढ़ाया गया इस 1993 के एग्रीमेंट में। तो देखा जाए तो ये राजीव गांधी की ही सोच थी जो नरसिम्हा राव ने आगे बढ़ाई। नरसिम्हा राव जी का आज जन्मदिन है, 99th, वो बहुत रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इनफैक्ट राजीव गांधी से ज़्यादा रिस्पेक्ट नरसिम्हा राव की मैं करता हूँ एटलीस्ट, और अगर कोई और करता है तो बता दे कमेंट में। और आज मोदी जी ने भी उनको विश किया अपने मन की बात में। ये बात मुझे कुछ भाजपा वालों की अच्छी लगती है कि वो ये नहीं देखते कि दिग्गज नेता किस पार्टी का है, अगर वो रिस्पेक्टेबल है तो वो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और मौके मौके पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन गिनाते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नरसिम्हा राव ने जो एग्रीमेंट साइन किया था वो गलत था, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। गलती वहाँ फंसी जब चाइना ने उस एग्रीमेंट का सम्मान नहीं किया। हमारे सोल्जर्स गए थे निहत्थे क्योंकि उन्होंने उस एग्रीमेंट का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो राहुल गांधी को अब जवाब मिल गया होगा कि वहाँ हमारे सोल्जर्स अनआर्म्ड क्यों गए थे। अगर आप आज की डेट में जितने वो बन रहे ना कि हम हर बात पर वॉर ही कर दें, रिटेलिएट हो जाए, क्यों नहीं जवाब दे रहे, 56 इंच का सीना कहाँ गया, जितना एग्रेशन दिखाई दे रहा ना, वो एग्रेशन मोदी जी के पास बहुत पहले से है, दिखेगा आपको वक्त आने पर दिखेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज जिस एग्रेशन की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो एग्रेशन जब दिखेगा इंडियन आर्मी की तरफ से, तो यही पार्टी फिर रोते रोते आएगी कि इकोनॉमी का क्या होगा, देश इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, इंडिया वॉर क्यों कर रहा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा डेवलपमेंट में लगता, गरीबी हटाने में लगता, ये लोग रोते रोते फिर आएंगे। अब आपको जान के हैरानी फिर से होगी कि अगर नरसिम्हा राव जी के फैसले से, एग्रीमेंट से अगर इतनी प्रॉब्लम थी, जो कि राजीव गांधी का
इनिशिएटिव था उससे ही प्रेरित था, तो क्यों मनमोहन सिंह ने 2005 में उसी को फिर से दोहराया? मनमोहन सिंह ने 2005 में फिर से उसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जो 1993 से 1996 के बीच में लिया गया था। तो आप वो चीज़ बार बार करते आ रहे हैं, आपने कभी नोटिस नहीं की, कभी आपको फुर्सत ही नहीं मिली कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि बुद्धि कम है तो आप उस हद तक डीपली जाएंगे, आप एक बार भी अपने पन्ने पलट के नहीं देखेंगे। एक बार देख लेते तो शायद मोदी सरकार से किए गए 99% सवालों का आपको खुद में जवाब मिल जाता कि कमियां कहाँ रह गई। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप वो पढ़ सकते हैं। 1996 में जब इन लोगों को लगा कि इतना काफ़ी नहीं है कि हम 2 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग हो, ब्लास्ट हो या कुछ ऐसा हो, तो इन्होंने एक और घटिया चीज़ ऐड की जिसकी वजह से हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए। वो तो खैर उनकी बहादुरी और ताकत है, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि उन्होंने 20 के बदले 43 दिए उधर। उन्होंने 1996 के एग्रीमेंट में एक चेंज किया कि सेल्फ रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज करेंगे, इमीडिएट कंसल्टेशन करेंगे जब फेस ऑफ होगा। मतलब फेस ऑफ हो रहा होगा तो हम उस फेस ऑफ में टैकल नहीं करेंगे, हम वो सब छोड़ के पहले कंसल्ट करने जाएंगे आर्मी से या फिर सरकार से या जिससे भी, आर्मी चीफ से या सरकार से, कि पहले हम वहाँ पर मार खा लें या आपसे पूछ के हम वहाँ पर पहले एक्शन लें। समझ रहे हैं आप? मतलब वो चीज़ अवॉइड करें पहले, हमें हम मार पड़ रही लेकिन हम उन्हें जवाब ना दें, पहले हम पूछने जाएं पीछे। तो ये चीज़ ऐड की गई। किसके समर्थन की सरकार? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन? देवेगौड़ा। और ब्लेम किस पे लगाया जाता है, सवाल किससे पूछा जाता है? मोदी जी से। अब इस बार तो देवेगौड़ा जी ने भी अच्छे से बोल दिया है राहुल गांधी और कांग्रेस को कि 1962 के बाद जो हुआ उसको आज की डेट में पॉलिटिसाइज ना किया जाए, उसको भूला ना जाए। तो अगले ने भी आपको अच्छे से मुंह की खिलाई है। तो जब आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आप बजाय इसके कि दूसरों को ब्लेम करें, अपनी गलतियों के सवाल दूसरों से पूछें, आप पहले खुद को एनालाइज करिए। अभी भी आपको लगता है कि मोदी जी से कुछ जवाब बाकी है तो आप ट्वीट कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।